तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक वीवो का फोन है और ये वीवो का फोन है तो इसमें अनलॉकिंग करना है, तो अनलॉकिंग हम हमारे स्टूडेंट ही करेंगे क्योंकि हमारी लाइव क्लास चल रही है। आप देख सकते हैं कैसे क्या करना है, टेस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करना है, सारा चीज तो ये स्टूडेंट ही करने वाले हैं। तो चलिए आप बने रहिएगा, पर वो बंद करिए, क्या करना है टेस्ट पॉइंट, इसको खोल लो फटाक से, ये इसका स्क्रू ड्राइवर से पीछे को खोल लीजिए इसको। तो टेस्ट पॉइंट हमारा बैटरी कनेक्टर के जस्ट नीचे है, कहाँ पे है हमारा बैटरी कनेक्टर के नीचे, तो मिनिमाइज करिए इसको। अब कहाँ पे जाना है आपको, अब आप सबसे पहले क्या टाइप करना है, राइट लीजिए, इसको स्टॉप करिए। तो चलिए सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे हम, ले लीजिए, और कोई मॉडल होता, अब देखिए ये पूछ क्या रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको एफआरपी भी हटानी है क्या, देंगे तो इसी के साथ साथ हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यस सर। तो फॉर्मेट तो हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया। अब क्या करेंगे, निकाल दीजिए फोन को और चालू करिए और दिखाइए सामने खड़े होकर, हाँ इधर दिखाइए सामने, चालू करिए, डेड हुआ क्या? अनलॉकिंग में कभी भी डेड नहीं होता है मेरे भाई। एक छोटा सा लॉजिक भी बताऊंगा अनलॉक के बाद, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या ट्रिक कर सकते हैं। अनलॉक में कभी भी फोन डेड नहीं होता है, लोग फ्लैशिंग वगैरह कर देते हैं, मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइप कर दीजिए, वाइप कर दिए, चलो कर दिया, कोई दिक्कत ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जब इसको रिस्टोर करेंगे ना, वाइप डाटा करेंगे ना, तो एरर आएगा, क्या आएगा, देखिए एरर आ रहा है ना, पर वो आपका एक्चुअल में हो चुका है, अब सिंपल आपको रिबूट करना है, क्या करना है, रिबूट कर दीजिए। अब इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम क्योंकि हुआ है ये फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में कभी भी सेट आपका जैसे रिस्टार्ट पे चला गया या डेड हो गया, पहले बात तो डेड कभी नहीं होता है, मैं बताऊंगा अभी ट्रिक, ठीक है, जैसे हम फॉर्मेट कर रहे थे तो वहाँ पे एफआरपी का भी ऑप्शन आ गया था। तो चालू करिए आगे का पूरा फाइनली ऑन करके दिखाइए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट स्किप, तो फाइनली ये जॉब डन हो चुका है। सॉफ्टवेयर आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, यस सर, ऐसा तो नहीं मेथड बहुत हार्ड हो, नहीं सर, इजी लग रहा है थोड़ा, यस सर, आपको करना है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, कैसा रहा दो दिन का सॉफ्टवेयर की क्लास, जो भी पढ़ाया जा रहा है क्या प्रैक्टिकल बताया जा रहा है कि बस थ्योरी बता दी जा रही है, आज क्या हुआ था, फोन डेड भी हुआ था, चालू हुआ, तो ये सब लाइव प्रैक्टिकल मिला कि नहीं मिला, कैसा लग रहा है दो दिन की सॉफ्टवेयर क्लास, समझ में आ रहा है, बार बार
ज्यादा एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब तक कोई कितना भी अच्छा बता देगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पॉसिबल नहीं है। तो अभी जाकर रूम पे प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। चलिए थैंक यू सो मच। कहेंगे ना तो आप हार्डवेयर नहीं कर पाएंगे, और अगर हार्डवेयर कर रहे हैं और अगर हमने सॉफ्टवेयर नहीं किया तो भी आप मोबाइल नहीं बना सकते। अच्छा, तो आप जब सॉफ्टवेयर यहाँ से करके गए थे तब भी आपने यहाँ का चलन देख लिया होगा, कैसा पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं। जब देखा तभी तो सेकंड बार आए सर। सेकंड बार आए, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक कोर्स करने के बाद दूसरा कोर्स करते हैं। अब कैसा ऐसा होता तो सेकंड बार आते ही नहीं। बिल्कुल अधिकार सर। बिल्कुल, मतलब सॉफ्टवेयर भी सर 4 साल से कर रहे हैं, बाकी यहाँ से सीखने के बाद किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, ये बताइए की जितना भी आप यहाँ से सीखे आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पर? बहुत सेटिस्फाई। सोच दुगना मिला है यहाँ पर। और अभी कैसा लगता है, पहले और अब के में कितना अंतर लग रहा है? बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। डिस्प्ले का आईसी हो गया, डिस्प्ले आईसी हो गया, रिंगर आईसी हो गया, माइक के फोल्ड हो गए, स्पीकर रिंगर टच, ये बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। पहले हम इसको 420 में देखते थे कि साला करे क्या, किस आईसी पे जाए। हाँ, जा ही नहीं पाते। पहली बात तो आईसी नहीं पहचान पाते थे सर, कौन सा है, पीएमआई क्या होता है। पहले सर आप बात करते थे जीआर वगैरह क्या होता है, वीसीसी लाइन क्या होता है, डीसी टू डीसी आईसी सब पहले थे कि नहीं है? हाँ सर, ये कि बीक्यू आईसी क्या होता है सर, सब ये तो पहले यूट्यूब आप बताते थे, यूट्यूब पे देखते थे सर, पता नहीं चलता था। बाकी यहाँ आने के बाद सब कुछ पता चला कि एचएल में क्या होता है। चलिए मुझे एक लास्ट बताइए कि कोई क्यों एचएल टेलीकॉम ज्वाइन करे, बताइए सर। अगर प्रॉपर नॉलेज लेना है और व्यवस्थित अगर दुकान पे काम करना है और व्यवस्थित टेक्नीशियन बनना है तो बेस्ट एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट सर एशिया टेलीकॉम सीखना है। ठीक है, ठीक। मैं यहाँ पर एक अपने सर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दुर्गेश सर। दुर्गेश सर बताओ इनके लिए क्या, इनको क्या क्या चीज मिलने वाली है, बताइए आज इनको। स्टेप बाय स्टेप जब ये बेसिक आते हैं, जब ये एडमिशन लेते हैं तो इनको सारी चीजें, पहले तो कंपोनेंट का नॉलेज, बेसिक नॉलेज, फिर आपकी आपकी क्लास में बताओ, आपकी क्लास में क्या स्पेशल मिलने वाला है, इसको बताओ पूरा वीडियो में। इनमें जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर तो लगभग सभी करते हैं, वो मॉडल वाइज करते हैं, जैसा भी करते हैं हमें वो नहीं पता है। यहाँ आते हैं तो वो उनका नजरिया चेंज हो जाता है, सॉफ्टवेयर सीपी वाइज और फाइल वाइज भी होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो नए कंटेंट है, जैसे नए नए फोन हुए, उनकी अनलॉकिंग हुई, उनकी एफआरपी बाईपास, वो सारी चीज हम बताते हैं, सारी चीज बताएंगे यहाँ पर। तो ये सब बच्चों से पूछ सकता हूँ सारे सवाल, बताइए कि जिससे सवाल कुछ बता नहीं पाए? नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि वीडियो यहाँ पर कम पड़ जाएगा, आप देख सकते हैं एशिया टेलीकॉम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कोशिश करो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये समझो कि आपकी सोने की चाबी है, इतना कुछ लेके जा सकते हो आप। हम आपको आईसी रिबॉल करना, आईसी के ग्लू पेस्टर काटना, आईसी लगाना, आपके आपसे हम सीपीयू, ईएमसी, पावर सबका काम कराएंगे। प्लस हम आपको पूरा सर्किट का नॉलेज देंगे और लाइफ टाइम फ्री अपडेट आपको देंगे, फ्री क्लास आपको देंगे, कोई रिचार्ज जैसा कुछ भी आपको, कोई टॉप अप वाउचर या कोई पेड या 20-30% आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कॉल करके आपको बुलाएंगे, समय समय पे हम आपको कॉल करते हैं। हम अपने स्टूडेंट को हर 3 महीने के बाद में खुद परखते हैं कि किस स्टूडेंट को क्या ज़रूरत है, हम उसको कॉल करते हैं, उसको अपडेट के लिए बुलाते हैं। UFI की बात करें और UFS की बात करें, हम दोनों चेंज करना आपको सिखाएंगे, प्रॉपरली डैमेज होने पर कैसे करेगा। तो ये पूरा काम आप एक बार में नहीं सीख सकते, इसलिए आपको 2 बार आना ही पड़ेगा। तो ये मान के चलो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करोगे तो किंग जरूर बनोगे, पर एक एक समय देकर 10-15 दिन का कोर्स करके दोस्तों आप अपने से पैसा बर्बाद करेंगे। आई होप आप समझ गएंगे मेरी बात और ज्वाइन करें एशिया टेलीकॉम अच्छे भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? सबसे बढ़कर कौन? एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। सबसे आगे।